वह इंदौर शहर को एक नई सौगात मिली, जहां सीएम शिवराज ने इंदौर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया, जिससे पहले सीएम ने एयरपोर्ट की कन्या पूजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एक बार फिर से इंदौर को अपने सपनों का शहर बताया। उन्होंने नए कार्गो के शुभारंभ के मौके पर शहरवासियों को बधाई दी। कार्यक्रम में शहर के सांसद शंकर लालवानी के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की सौगात इंदौर को मिलने जा रही है। ये प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो रहेगा जिसमें इंदौर को ये सौगात मिल रही है। इसके माध्यम से अभी तक जो हम एक्सपोर्ट बम्बई, दिल्ली, अन्य शहरों से करते थे, वो अब यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगेगा। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की और भी फैसिलिटी है, यहाँ जो कस्टम है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी है, ऑनलाइन व्यवस्था है। मैंने पिछले लगभग कुछ महीनों में 5 एक्सपोर्टरों के साथ मीटिंग ली है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कार्गो और कस्टम के लोग एक्सपोर्टरों के बीच में जा रहे हैं। पहले कस्टम के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्गो वालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर ये सरकार ऐसी है कि हम जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो एक्सपोर्टरों के बीच जा रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर जो देश माननीय प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर असीम संभावनाओं का शहर है और हमारे चाहे एमएसएमई हो चाहे बाकी उद्योग हो, अभी भी जो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ उसका निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ये कार्गो की सुविधा नहीं थी, वो अब विकसित हुई है। यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से हीरे, यहाँ से फिनिश्ड लेदर, अनेक तरह की चीजें निर्यात होती है। अब किसान भी अपने फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का उगा के और उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे निर्माण की गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक दाम मिलेगा और इंदौर के विकास को और पंख लगेंगे। इस सुविधा के लिए मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूं।